कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णम ने गाजियाबाद का किया दौरा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया बयान, कहा राजनीति में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। प्रमोद कृष्णम ने जिससे जनता प्यार दे और परमात्मा की कृपा हो वो बड़ा होता है। ना ही मेरे लिए लखनऊ नया है और ना ही मैं लखनऊ के लिए नया हूँ। राजनाथ सिंह के सामने कांग्रेस से प्रत्याशी हैं प्रमोद कृष्णम। महागठबंधन प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन किया दाखिल। शब्बीर अहमद वाल्मीकि और सावित्री बाई फुले ने किया नामांकन। इस दौरान शब्बीर अहमद ने कहा, गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना मेरी प्राथमिकता। मुजफ्फरनगर में किसानों और रेलवे विभाग में बने टकराव के हालात। रेलवे ने की अंडरपास बनाने के बाद फाटक बंद करने की कोशिश। स्थानीय किसानों ने अधिकारियों को भगाकर किया धरना प्रदर्शन। अंडरपास छोटा होने के चलते किसानों ने मांगे किया विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में किया रोड शो। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री को देखने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छत्तीसगढ़ के भाटपारा में पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। पीएम के निशाने पर कांग्रेस रही, साथ ही उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर अपनी सरकार बनाने का दावा किया। पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी का हुआ निधन। मैक्स अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित की हुई मौत। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए 3 उम्मीदवार। आचार्य प्रमोद कृष्ण लखनऊ से, राजनाथ सिंह के खिलाफ उतरेंगे मैदान में। विनय कुमार पांडे यूपी के कैसरगंज से उम्मीदवार होंगे। इंदौर मध्य प्रदेश से पंकज सांघवी को बनाया गया है उम्मीदवार। सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा मध्य प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश न करे बीजेपी, उसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। कमलनाथ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा इस देश को संकट में डाल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि देश में सिर्फ लोगों का राज हो। राहुल ने कहा है कि हम बीजेपी को प्यार से हराएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी से सवाल किया कि आखिर चुनाव में खर्च करने के लिए उसके पास इतना अधिक पैसा कहां से आ रहा है। राहुल ने कहा, बीजेपी इतने पैसे लाती कहां से है, वो बताती क्यों नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी अब राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे। 13 अप्रैल को राहुल गांधी ने सारे मोदी का को चोर कहा था, जिस पर सुशील मोदी केस कर रहे हैं। कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निजी जमीन को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी और जेटली ने अपने चुनावी हलफनामे में उनको गुजरात के गांधीनगर में आवंटित किए गए प्लॉट की जानकारी नहीं दी। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से जांच करने और कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि आपने कांग्रेस से बात करने के लिए संजय सिंह को अधिकृत किया गया। राहुल जी सभी 18 सीटों पर बीजेपी को हराने की रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान सामने आया, जिसमें वो मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सिद्धू ने यह बयान बिहार के कटिहार में दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने कटिहार में नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर संज्ञान ले लिया। चुनाव आयोग ने कटिहार के चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट तलब कर लिया। चुनाव आयोग ने नवजोत सिंह सिद्धू के बयान की सीडी और बयान की ट्रांसक्रिप्ट मांगी है। राजस्थान ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया नामांकन। राज्यवर्धन राठौड़ ने नामांकन से पहले मोती डूंगरी गणेश का आशीर्वाद दिया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में भारी दल बल के साथ नामांकन भरा। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे रहे मौजूद। जेडीयू नेता केसी त्यागी, सुधांशु त्रिवेदी, कलराज मिश्र भी रहे मौजूद। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन। राजनाथ के रोड शो में उमड़े कार्यकर्ता। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने कहा, देश में मोदी के लिए है। दोनों डिप्टी सीएम रोड शो में राजनाथ सिंह के साथ रहे मौजूद। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा नवाबों के शहर लखनऊ से गठबंधन की उम्मीदवार होंगी। पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पूनम 18 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। इससे पहले 6 अप्रैल को बीजेपी के 39वें स्थापना दिवस पर पार्टी के कद्दावर नेता शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी नेतृत्व के साथ शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय से खफा चल रहे थे।
आगरा में गठबंधन की रैली में गर्जी अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पहले चरण में वोटों की बारिश हुई, मायावती की आवाज दबाई जा रही है, वो सोचते हैं आवाज दबाई जा सकती है। इसी से बैन किए जाने के बाद योगी ने हनुमान सेतु मंदिर में की पूजा अर्चना, मंदिर में लगे जय श्री राम के नारे। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन भी रहे मौजूद। मथुरा में हेमा मालिनी का शक्ति प्रदर्शन, हेमा मालिनी ने कांग्रेस प्रत्याशी को ठेंगा दिखाया। रोड शो के दौरान दोनों प्रत्याशी आमने सामने आए थे, कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक को दिखाया ठेंगा। रोड शो के दौरान ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी थे मौजूद। मायावती की गैर मौजूदगी में भतीजे आकाश ने की रैली, बोले विरोधी की जमानत जब्त कर इसी को दे जवाब। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद प्रवीण निषाद ने पहली बार किया संत कबीर नगर का दौरा, निषाद के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी ने शरद त्रिपाठी का टिकट काटकर प्रवीण निषाद को बनाया था प्रत्याशी। प्रवीण निषाद के मामले में बीजेपी नेताओं की नाराजगी हुई उजागर, निषाद के स्वागत का कार्यक्रम में नहीं दिखा कोई भी बीजेपी का विधायक। शाहजहांपुर में मतदाता जागरूकता अभियान जारी है, वोट की मेहंदी के बाद अब मतदाता एक्सप्रेस ट्रेन बनाकर मतदाताओं को किया जा रहा है जागरूक। बाराबंकी के रोड शो में आचार संहिता का उल्लंघन, कांग्रेस प्रत्याशी के रोड शो में जमकर उड़ाए गए नोट। रोड शो में पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी समेत कई नेता थे मौजूद। बाराबंकी से तनुष पुनिया है कांग्रेस प्रत्याशी। गोरखपुर के एक युवा सपा नेता ने अपनी बहन की शादी के एक अजूबा कार्ड छपाया, समाजवादी पार्टी के युवा नेता जितेंद्र यादव ने अपनी बहन की शादी के कार्ड को सपा और बसपा के रंग में रंग दिया और महागठबंधन को जिताने की अपील की है। बांदा में पुलिस और जिला प्रशासन की मेहनत लाई रंग, बोरवेल में गिरी बच्ची को सुरक्षित निकाला गया बाहर, खोलते समय 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरी थी बच्ची, कई घंटों के रेस्क्यू के बाद मासूम को बाहर निकाला गया। सहारनपुर के सहगल नर्सिंग होम अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, पिता की थैली का ऑपरेशन करने के दौरान एक महिला की मौत हो गई, महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल की डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। दलित युवक पर दबंगों ने किया अंधाधुन फायरिंग, युवक को हालत नाजुक रेफर दिल्ली, दिनदहाड़े हुई गोलीबाजी की वारदात, मौके पर पुलिस बल तैनात, हसनपुर गमसूरी गांव की वारदात। रायबरेली के उचार में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा पर दो बाइक सवार तेजाब फेंककर फरार हो गए, एसिड अटैक से घायल छात्रा को आनंद फानंद में सीएचसी लाया गया जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, छात्रा का इलाज जारी है। गाजियाबाद में बस अड्डे के पास मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाशों ने दाल व्यापारी से हथियार के बल पर 6.5 लाख की लूट की है, कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।